21 अप्रैल को सूरत से कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने और 8 कैंडिडेट के नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। प्रदेश की 3 सीटों यानी कि विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ से दिग्विजय सिंह की किस्मत दांव पर है। क्या ये उन सीटों पर पकड़ बना पाएंगे? भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में कल तीसरे फेज का इलेक्शन है। जी हां, मंगलवार 7 मई को 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले इस फेज में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीटें थीं, लेकिन 21 अप्रैल को सूरत से कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने और 8 कैंडिडेट के नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वह जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से अनंतनाग रजौरी सीट का चुनाव टाल दिया गया है। अब यहाँ 6 फेज में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद सेकेंड फेज यानी कि 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग 7 मई को शिफ्ट कर दी गई थी और मध्य प्रदेश की 3 सीटों यानी कि विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ से दिग्विजय सिंह की किस्मत दांव पर है। इसके अलावा महाराष्ट्र की अमरावती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनीत्रा पवार यानी कि ननद भौजाई के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। इसके अलावा चुनाव आयोग की माने तो तीसरे फेज में कुल 1352 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 1229 पुरुष और 123 महिलाएं हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 244 कैंडिडेट आपराधिक छवि के हैं। 392 कैंडिडेट्स के पास 1 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है। 244 प्रत्याशियों पर आपराधिक केस, 172 पर हत्या बलात्कार जैसे केस हैं। रिपोर्ट बताती है कि 244 उम्मीदवारों पर आपराधिक केस हैं, इनमें से 172 13 पर अपराध, अपहरण, बलात्कार जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। 5 उम्मीदवारों पर हत्या और 24 पर हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं। 38 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं, इनमें से 2 पर बलात्कार के मामले चल रहे हैं। 17 कैंडिडेट पर हेट स्पीच से जुड़े मामले दर्ज हैं, तो तीसरे चरण में 392 उम्मीदवार करोड़पति हैं। ADR के मुताबिक तीसरे फेज में 1352 उम्मीदवारों में से 392 यानी कि 29% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनके पास औसतन 5.66 करोड़ की संपत्ति है। वहीं 5 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति शून्य बताई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी इरफान अबू तालिब चांद की संपत्ति सबसे कम केवल 100 रुपये है। वहीं गुजरात की बारडोली सीट से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी रेखाबेन हरसिंह बाई चौधरी ने अपनी संपत्ति 2000 रुपये घोषित की है। 647 उम्मीदवारों पर कर्जदारी, तीसरे चरण के 647 प्रत्याशियों पर उधारी चल रही है। मध्य प्रदेश की मुरैना सीट से बसपा प्रत्याशी रमेश कर के ऊपर सबसे ज्यादा देनदारी है। हैरान कर देने वाली बात यह कि उनके ऊपर 351.6 करोड़ रुपए की देनदारी है, जबकि उनकी कुल संपत्ति जो है करीब 16.47 करोड़ रुपए है। सबसे ज्यादा सालाना आय के मामले में महाराष्ट्र की माढ़ा सीट से भाजपा के रणजीत सिंह हिंदूराव नाइक निमालकर टॉप पर हैं। उनकी कुल वार्षिक आय करीब 44.57 करोड़ रुपए है। इन्होंने व्यापार और कृषि को अपनी आय का स्रोत बताया। कुल मिलाकर 1352 उम्मीदवारों में से 391 उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं, जबकि 19 उम्मीदवारों ने खुद को निरक्षर बताया है। वहीं 411 उम्मीदवारों की आयु 25 से 40 साल, 228 की आयु 61 से 80 साल के बीच है। तीसरे चरण की 14 हॉट सीटों पर जरा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इन पर सबसे ज्यादा मंथन किया जा रहा है। गांधीनगर गुजरात, भाजपा की ओर से देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 30 सालों से भाजपा का कब्जा है। भाजपा के कई दिग्गज नेता 1989 से यहां से जीत रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार अमित शाह ने यहां से चुनाव लड़ा, करीब 5.5 लाख वोटों से जीत हासिल की। वही कांग्रेस ने इस सीट से पार्टी के सचिव सोनल रमन भाई पटेल को मैदान में उतारा है। वो मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र में पार्टी के सह प्रभारी हैं, साथ ही गुजरात महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वो कह चुकी हैं कि उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है। इसके अलावा गुजरात की पोरबंदर सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी की जन्मस्थली से भाजपा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को उम्मीदवार बनाया। पेशे से वैनिटी डॉक्टर मंडाविया गुजरात से 2 बार के राज्यसभा सांसद हैं। चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र में करीब 150 किलोमीटर की पदयात्रा की। भीड़भाड़ भरे रोड शो से दूरी बनाए रखते हुए उन्होंने प्रचार का ये पुराना तरीका अपनाया है। इसके अलावा पाटीदार समुदाय का खासा प्रभाव है इस सीट पर। यही कारण कि कांग्रेस ने पूर्व विधायक और पाटीदार नेता ललित वसोया को अपना उम्मीदवार बनाया। पाटीदार आरक्षण आंदोलन में सक्रिय रहे। वसोया 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी थे।
गुना मध्य प्रदेश की सीट बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर अपनी पारंपरिक सीट से चुनावी मैदान में हैं। 2019 में अपने पूर्व सहयोगी केपी सिंह से चुनाव हार गए थे, हालांकि तब वे कांग्रेस में थे। हार से सबक लेते हुए सिंधिया ने इस बार मैदान में खूब मेहनत की। उनका बेटा और पत्नी भी उनके साथ चुनाव प्रचार में लगे हैं। कांग्रेस से सिंधिया परिवार के राजनीतिक विरोध राव रावेंद्र सिंह को मैदान में उतारा। राव 2023 तक भाजपा में थे। उनके पिता मुंगावाली सीट से 3 बार भाजपा के विधायक रहे हैं। उन्होंने माधवराज सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी चुनाव लड़ा। यादवेंद 2023 में कांग्रेस की टिकट पर सिंधिया के करीबी ब्रजेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। विदिशा मध्य प्रदेश की यह सीट भी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान करीब 20 साल बाद दोबारा विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं। 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो यहां से 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं। वह भी यहां की बधुनी विधानसभा सीट से विधायक है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। मामा के सामने कांग्रेस ने दादा को उतारा है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी प्रभुभान सिंह स्थानीय नेता है और दादा के उपनाम से जाने जाते हैं। दिग्विजय सिंह करीब 32 साल बाद दोबारा राजगढ़ सीट पर वापसी की है। 1991 में दिग्विजय यहां से सांसद बने थे, लेकिन 1993 में मुख्यमंत्री बनने के बाद इस्तीफा दे दिया। तब से 2004 तक उनके भाई लक्ष्मण सिंह सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों से सांसद है। 2019 में दिग्विजय सिंह ने भोपाल से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा से वो हार गए थे। दूसरी तरफ भाजपा ने 2 बार से सांसद रोडमल नागर को तीसरी बार मैदान में उतारा है। बारामती सीट महाराष्ट्र से। बारामती सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। पिछले साल एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद यहां इमोशनल मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव में शरद पवार की बेटी और बहू के आमने सामने होने और परिवार टूटने का मुद्दा बड़ा है। मोदी की गारंटी और राम मंदिर जैसे मुद्दे यहां गायब है। एक तरफ सुप्रिया सुले एनसीपी से मैदान में है, तो उनकी भाभी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की पत्नी सुनेत्रा पवार एनसीपी से उन्हें टक्कर दे रही है। 1960 में भी ऐसा ही मुकाबला देखने को मिला था, जब शरद पवार अपने बड़े भाई वसंत राव के खिलाफ उतरे थे। तब उनके भाई चुनाव हार गए थे। ये सीट एनसीपी का गढ़ मानी जाती रही है। शरद पवार यहां से 6 बार सांसद रह चुके हैं। सतारा महाराष्ट्र की सीट भी महत्वपूर्ण है। भाजपा सीट पर पहली बार कमल खिलने की आस लगाए बैठी है। भाजपा ने आज तक कभी भी ये सीट नहीं जीती, लेकिन पार्टी को छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति उदयनराज भोसले से उन्हें पूरी उम्मीद है। आगरा उत्तर प्रदेश। भाजपा ने आगरा लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। बघेल ने अपने करियर की शुरुआत बतौर पुलिस सब इंस्पेक्टर की थी। इसके बाद वे आगरा कॉलेज में मिलिट्री साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे हैं। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने समाजवादी पार्टी से की और बसपा से होते हुए 2014 में भाजपा का हिस्सा बन गए। वो 4 बार सांसद और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने सीट के 30% दलित वोटर्स को साधने के लिए सुदेश चंद्र कर्दम को उतारा है। वे उसी समुदाय से आते हैं जिससे बसपा से मायावती आती है। हैरानी वाली बात कि बड़ी संख्या में दलित वोटर होने के बाद भी बसपा को कोई भी उम्मीदवार आज तक यहां से जीत नहीं पाया है। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव की विरासत लिए उनकी बहू डिंपल यादव मैनपुरी से चुनावी मैदान में हैं। 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यहां से सांसद चुने गए थे। 2022 में उनकी मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में डिंपल सांसद चुनी गई। इससे पहले उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुब्रत पाठक से हार गई थी। भाजपा ने डिंपल के सामने योगी सरकार में पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवर सिंह को उतारा है। तो ये वो सीटें थी, ये बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। इन पर सभी की नजर बनी हुई है तीसरे फेज में। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या ये जो चेहरे हैं, बड़े चेहरे, चाहे वो राजा हो चाहे कोई किसी की विरासत संभाल रहा हो, क्या ये उन सीटों पर पकड़ बना पाएंगे? क्या उन सीटों पर महत्वपूर्ण ये है कि जो मुद्दे थे वो उन्होंने समझे हैं और जनता उन्हें वोट करेगी? एट 9 में आज के लेता है, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।